हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ सुनीता लवानी और आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पे जो सिर्फ गोवा में ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस है, एक ऐसे फेस्ट फेयर में जो पूरी दुनिया में पॉपुलर है, जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आते हैं। इसका नाम है बासिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च, सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च और जो ओल्ड गोवा चर्च के नाम से फेमस है। आज 3 दिसंबर को इस चर्च में बहुत बड़ा फीस्ट फेयर होता है जो वर्ल्ड फेमस है। ये इतना पॉपुलर क्यों है, इतना फेमस क्यों है, आज हम जानेंगे। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो स्टोरी मैं आज आपको सुनाऊंगी। ये है एंट्रेंस और अब हम जा रहे हैं उस चर्च की तरफ। दिस इज द गेट ऑफ द चर्च। अब हम अंदर जा रहे हैं। We are going inside. Okay. बहुत सारे लोग आते हैं इस फेस्ट में। This church is 26 kilometers far away from the national airport, Goa airport. ज़्यादा से ज़्यादा 45 minutes लगेंगे यहाँ पहुँचने में। वहाँ से टैक्सी करके आप सीधा आ सकते हैं। Finally, we have reached. As you can see, the crowd, इतने सारे लोग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम गोवा के सबसे फेमस और पॉपुलर वर्ल्ड पॉपुलर चर्च में आए हैं। ये चर्च इतना फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ है 450 साल पुरानी सेंट जेवियर्स की डेड बॉडी, जो अब तक सड़ी नहीं है, वैसी की वैसी ही है। जी हाँ, 450 साल पुरानी डेड बॉडी। 500 साल पहले सेंट जेवियर्स इंडिया आए थे गोवा में। यहाँ उन्होंने गोवन लोगों में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार किया, लोगों को कन्विंस किया कि वो क्रिश्चियन धर्म को अपनाएं और यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया। यहाँ का काम ख़त्म करके जब वो चाइना जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मौत हो गई, उनके दोस्तों ने उन्होंने दफना दिया। 2 महीनों बाद जब उनके दोस्तों ने तो जब उनके कब्र को खोदा गया तो उनकी बॉडी वैसी की वैसी ही थी, ना गली हुई ना सड़ी हुई, जैसे उन्होंने दफनाया था वैसी ही थी। उनकी बॉडी को फिर वो मलेशिया ले गए और मलेशिया से फाइनली गोवा वापस लेके आ गए। फिर यहाँ लाकर उनकी बॉडी को एक चांदी के ताबूत में रखा गया है और आज तक वो बॉडी पूरी तरीके से सड़ी नहीं है और ना ही गली है। इसीलिए 3 दिसंबर 1552 को उनकी डेथ हुई थी और आज भी उनकी बॉडी यहाँ ऐसी ही रखी हुई है और दुनिया भर के लोग आते हैं उनकी बॉडी को देखने के लिए। सेंट फ्रांसिस जेवियर को गोवा का गॉड भी माना जाता है क्योंकि इतने सालों से वो इस चर्च में, उनकी बॉडी इस चर्च में रखी गई है। हर साल बहुत बड़ा फीस्ट होता है, दुनिया भर के लोग आते हैं, मास होता है। एज यू कैन सी, जो पूरा डेकोरेशन किया गया है वहाँ पे मास होता है, प्रेयर्स होते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ प्रेयर्स करते हैं। बोला 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 आजा आजा
आज से 450 साल पहले जो पोर्चुगीज यहाँ पे रूल करते थे, राज करते थे, तब पोर्चुगीज गवर्नर ने इस चर्च को बनवाया था। इस चर्च को बनाने में पूरे 11 साल लग गए थे। कहते हैं कि उन्होंने ऐसे टोटल 17 चर्चेस बनाए थे, जिसमें से ये चर्च सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और क्यों इतना फेमस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ है 450 साल पुरानी सेंट फ्रांसिस जेवियर की डेड बॉडी। हर साल 3 दिसंबर को यहाँ पे इतना ही बड़ा फीस्ट फेयर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हैं। कोविड की वजह से बाहर के लोगों का आना अलाउड नहीं है, बट स्टिल ये गोवा के ही लोग हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि रुकने की तक जगह नहीं होती, इतनी ज़्यादा भीड़ और इतनी ज़्यादा लोग, पूरी दुनिया से लोग आते हैं इस चर्च को देखने के लिए और सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी को देखने के लिए। सो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।